तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, रहना है तो इल्विस भाई के सिस्टम के अंदर ही रहना पड़ेगा। लेकिन ये बात फलक और जिया को समझ नहीं आ रही है। इन्हें जब देखो तब इल्विस भाई से भिड़े जा रही है। बात करें फलक की तो ये पिछले 4 हफ्तों से सोई पड़ी थी और इन्हें जगाया गया तो ये हर मुद्दे में अपनी टांग अड़ाई जा रही है। ओ भाई बस कर दे, बस कर जा यार, बस कर जा, रेडियो चालू हो गया, चुप ही नहीं हो रहा है। पता नहीं इन्हें क्या खुजली है कि ये इल्विस भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। तू चुप रहे, बदतमीजी करेगा तो बदतमीजी सुनेगा। फलक जी मुझे पता है जितनी आपकी क्षमता है आप उससे बेस्ट कर रही हैं। इससे अच्छा ये है कि आप कुछ करो ही मत। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। काम कर रहे हैं फलक जी, काम कर रहे हैं। ये मैडम का ना कोई मुद्दा है ना कोई मकसद, मुझे लगता है कि इनका साबुन भी इन्हीं की तरह सोलो है। गजब बेइज्जती है। खैर साबुन से याद आया, जिया जी आपने तो सारी हदें ही पार कर दी। क्या डाला है इसमें? कुछ भी तो नहीं। इन्हीं बताओ बताओ, मजाक सट के साबुन का स्मेल आ रहा है इसमें। किसी से इतना भी क्या हेट करना कि आप उन्हें साबुन का पानी ही पिला डालो। यार दुश्मन भी घर आता है तो उसे पानी पिलाया जाता है, क्योंकि पानी पिलाना धर्म का काम होता है। अबे हमारे में पानी पिलाना धर्म का काम होता है, मजाक से हटके, पर ऐसे कोई नहीं करता। तो शुक्र है कि एल्विस भाई का दिल बहुत बड़ा है जिन्होंने आपको माफ कर दिया। साबुन डाला उसके लिए सॉरी। इट्स ओके। लेकिन आपको फिर भी शर्म नहीं है कि आप उनसे लड़े जा रही हैं? जुबान तो बननी हो रही तेरी, नल तो बंद कर दे। जिया जी आप जितना जल्दी सुधर जाओ उतना ही आपके लिए फायदा होगा, नहीं तो इल्विस भाई के फैंस यहाँ बैठे हैं आपको बाहर पहुँचाने के लिए। दोस्तों इल्विस भाई को दिल खोलकर सपोर्ट करो और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी वीडियो आते रहे।